ABPS News। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPS News। मैं शिल्पी त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बदायूं से भाजपा विधायक महेश चंद गुप्ता जी, जो कि अपने 6 से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 16,500 वोटों से जीते हैं। आइए उनसे बात करते हैं गाँव के विकास को लेकर। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम जी। विधायक जी, जो किसानों की जो आज इसके समय में स्थिति है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसान हमारा जो है अब खुशहाल है। किसान को पीछे जो हमारी सरकार ने वादा किया था 1 लाख रुपए माफ़ करने का, तो हमारी सरकार ने 1 लाख रुपए किसानों को माफ़ किया है। किसानों को अभी जो है जो हमारा उपज का मूल्य दिया जा रहा है, तो उसमें भी 17 से 35 दिया जा रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और किसानों के बारे में हमारी सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है कि उनकी कैसे तरक्की हो, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2022 में हमारा किसान की आमदनी दूनी होगी और हमारे इस देश के अंदर किसी के भी घर में अंधेरा नहीं होगा और हर एक के सर पर छत होगी। तो किसानों के बारे में अभी जो पहले यूरिया में बहुत लंबी लाइन लगती थी, बहुत किसान परेशान हुआ करता था, लाठी डंडा खाता था, लेकिन आज किसान को कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया वगैरह जो भी खाद है वो सब पूरा मिल रहा है और उसके बारे आगे भी धरती माँ बीमार ना हो, इसके लिए मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, जगह जगह उसके कैंप लग रहे हैं, किसानों के गाँव में कैंप लग रहे हैं, मिट्टी की जाँच हो रही है, हमें कौन से समय पर कौन सी फसल की बुवाई होनी चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, इस सब तरह की बातें जो है। और जो पहल के बहुत से जो है थे ब्लॉक ट्यूबवेल बंद हो गए थे कि डोर को ब्लॉक घोषित कर दिए थे, और अब जो है हमारी सरकार ने कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर आप ट्यूबवेल ना लगा सकें, तो सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था है। और किसानों के बारे में तो जितना भी हमारी सरकार अच्छा सोच सकती है, वो हर बात उसे अच्छा ही सोच रही है। जैसे कि आपने कहा कि किसानों का जो है कर्जा माफ़ हुआ है, लेकिन कि जो किसान कर्जा माफ़ तो हो गया, लेकिन जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कहीं कोई बात किसी के मन में ये आई हो कि मेरा यहाँ से जैसे एक क्राइटेरिया रखा है उसमें, अब कहीं कोई बात ऐसी आ गई हो, उसकी पारिवारिक किले कोई बात आ गई हो, तो भला कोई ऐसी घटना घटी है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं आया है जो मेरी जानकारी में है। जैसे कि आपने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण आपके उसमें नहीं आया, लेकिन जो किसान है उसकी जो फसल है, जो फसल होती है उसके उसका मूल रूप नहीं मिल पाता है, इसका कारण क्या है? ना, अब तो हमारे जैसे कोई भी ओलावृष्टि हो जाए, पहले जो था 50% अगर नुकसान होता था तो ये रहता था कि किसान को उसका मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। हमारी सरकार ने 33% अगर भी नुकसान होता है और खेत में कटने के बाद कुछ दिन पड़ा रहने के बाद भी हो जाता है, तो सरकार पूरा मुआवजा देती है। ऐसी कई बीमा की योजनाएं चला दी हैं। तो जितनी मैं सोचता हूं अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसान के बारे में सोचा है, ऐसा किसी भी सरकार ने उसके बारे में नहीं सोचा है। जो बात करें, अगर जो मनरेगा योजना जो चल रही है उसमें जो किसान जो मजदूर हैं वो काम करते हैं उनको 175 रुपये मिलता है, वही मजदूर जब प्राइवेट काम करने के लिए जाता है उससे 300 से 350 रुपये मिलते हैं, जबकि एक आदमी का जो खर्चा है वो 175 रुपये। ऐसे में जो किसान है वो कैसे क्या करेगा, अपने जो परिवार उसको कैसे गुजार रखेगा? अच्छा, मनरेगा के बारे में ऐसा कुछ अगर कम है तो मेरी जानकारी में सही बात है नहीं कि इस तरह से कम दिया जा रहा है, और अगर कैसी होगी तो मैं उसकी जानकारी करूँगा, मुझे इसकी सही जानकारी नहीं है, कम दिया जा रहा है। जी विधायक जी, जब बात करें अगर शिक्षा की, तो जो गांव के स्कूल हैं उसमें आज भी जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर्वे करने के बाद ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ड्रेस नहीं है, और जो बच्चे हैं वो ज़मीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं। स्कूल में बल्ब और पंखा तो लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बिजली की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के लोगों ने शिकायत की है बहुत बार, लेकिन फिर भी वहाँ को सुनवाई नहीं होती। मेरी जानकारी के अनुसार और मेरी अपनी विधानसभा भी है, अब तक के इतिहास में वास्तव में जितना बच्चों के विकास के बारे में अब जो पढ़ाई हो रही है ऐसा पहले नहीं था। ड्रेस के बारे में भी पहले जो ड्रेस थी वो खाली इस तरह से लगती थी, बच्चे का लगता ही होमगार्ड से भी बदतर ड्रेस रहती थी। इस समय इतनी अच्छी ड्रेस है
और उनसे हमारे बच्चों का चेहरा गुलाबी चमकता है। और सर्दियों की भी यानी दो दो तरह की ड्रेसें मिली हुई हैं, गर्म भी और गर्मियों वाली भी और सर्दी वाली भी। तो बच्चों को अब फर्नीचर भी बनने लगा, पहले सब बच्चे ज़मीन पर बैठते थे, आज विद्यालयों में जाके देखो तो पढ़ाई का स्तर इतना इतना अच्छा हो गया है, क्योंकि हर विधायक ने लगभग दो दो विद्यालय गोद भी लिए हैं और बच्चों में भी प्रतिस्पर्धा इस तरह की बढ़ रही है कि मैं इससे ज़्यादा नंबर लाऊं, मैं इससे ज़्यादा नंबर लाऊं। हमारे जनपद बदायूं में भी, मेरी विधानसभा में भी, बदायूं विधानसभा में 115 बदायूं विधानसभा में गोठा एक ऐसा विद्यालय है जिसमें 100% उपस्थिति हो रही है और विद्यालयों का बहुत ऊँचा स्तर हो रहा है। बनगवा एक ऐसा विद्यालय है जहाँ 100% उपस्थिति हो रही है। मजिया एक ऐसा विद्यालय जो 100% अनुसूचित जात का बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर गांव भी उसमें है, तो भी वहाँ बहुत बड़ी तरक्की हो रही है। तो ऐसा कहने का भाव मेरा यह है पूरा सब विद्यालयों में बहुत अच्छी पढ़ाई तरक्की उन्नति हो रही है। हर विद्यालय में अब शौचालय, जो लाइट है और पंखा, ये सब चीज़ चल रही हो। बिजली तो आप विद्यालय की बात करी हो, इस सरकार ने तो मंजरों में भी सब जगह बिजली पहुँचा दी। इतने इतिहास में कभी भी इतनी लाइट नहीं लगी जो पहली बार इस तरह से लगी है, और लाइट भी पूरी आ रही है। अब चूंकि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष के लोग भी एक मतलब कंठ से यानी एक भाव से सब ये कह रहे हैं कि हाँ बिजली आपकी खूब आ रही है और विद्यालयों की खूब तरक्की हो रही है। बात अगर बिजली की करें तो कई प्रदेशों में ऐसा है कि बिजली फ्री दी जा रही किसानों को, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। चलो जैसे भी होगा आगे, जहाँ फ्री की बात होगी तो फ्री भी दी जाएगी। अभी तो हमारे किसानों को इतना पैसा दिया है और हमारी सरकार ने बगैर कोई टैक्स लगाए और बगैर उसके पूरा का पूरा पैसा किसानों को जो वादा किया था दिया, और किसी भी तरह का कोई टैक्स अलग से नहीं लगाया। क्योंकि जबकि ये जब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आया था तो पूर्व की सरकार ने पूरा खजाना खाली करके गए थे और पूरी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, इस तरह का माहौल था कि लोग बड़ा परेशान थे। आज किसान भी सुखी है, आम जनता सुखी है, आम जनता में ये भाव है कि वास्तव में अब गुंडा राज खत्म हो गया। क्योंकि एक से एक इनामी, पहले गुंडे लोग, बदमाश लोग पुलिस पर आक्रमण करते थे और उनका कुछ नहीं बिगड़ता था, आज जरासी भी उनकी हिम्मत, बदमाश जो है हिम्मत करते हैं पुलिस पर, तो पुलिस की तरफ से बाकायदा उनको उसका दंडित किया जाता है। ऐसे कई शहर लगभग 40 टॉप के बदमाश जो है वो मारे गए। नहीं, जैसे आपने कहा कि स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को ड्रेस दी गई है और विद्यालयों की जो स्थिति वो सही करी गई है, लेकिन जो विद्यालय के जो मेन चीज़ होती है टीचर, वो तो नहीं है विद्यालय में, उसका क्या कारण है ना? अब जो और नई भर्तियां होंगी उसमें आ जाएंगे, और शिक्षा मित्र का जो सरलीकरण करके जो है वो सब पढ़ा रहे हैं, और विद्यालय में अगर टीचरों की कमी है तो अब नई भर्ती में बगा तो भरे जाएंगे। एक विद्यालय में जब सर्वे के बाद ये पता चला कि एक विद्यालय में अगर 60 टीचर हैं तो उसमें से एक ही टीचर पढ़ाने आता है और सारे टीचर और ड्यूटी पे लगे रहते हैं, जब सरकार को उन टीचरों से दूसरे काम ही लेने हैं तो वो सरकार स्कूलों में टीचरों को रखते क्यों? ऐसे में जो बच्चों का भविष्य है वो कहाँ जाएगा? वैसे तो ज़्यादातर शिक्षक लोगों को बरी कराया है, लेकिन फिर भी जो है जब नई भर्ती हो रही है, नई भर्ती होंगी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। तो हो जाएंगी भर्तियाँ? अब सरकार बहुत जल्दी इतनी मतलब समझो कई लाख भर्तियां भी बहुत जल्दी घोषणा करने वाली है। अब तो केवल नियुक्ति पुलिस की भर्ती, शिक्षक भर्ती जल्दी घोषणा करने वाली है, मतलब अभी घोषणा हुई नहीं ना? हो ही गई, अब तो बस काम चालू ही है। हाँ, अब क्या है, अब तो जैसे हमारे माननीय योगी जी जो मुख से कहते हैं वो काम पूरा करके छोड़ते हैं, मोदी जी जो मुख से कहते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं, पूरा काम होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे बदायूं से भाजपा विधायक महेश चंद गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बहुत ही सही से जवाब दिए हैं। आगे भी हम आपको अन्य जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी चले गाँव की ओर रात 8 बजे, और शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।